हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चलने वाली नई ट्रेनों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र में किन रूटों पर रेलवे के द्वारा नई ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। देखिए आज की इस वीडियो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में शुरू होने वाली नई ट्रेनों के बारे में। सबसे पहली नई ट्रेन है, ये ट्रेन नागपुर से मिरज और मिरज से नागपुर के मध्य में चलाने जाने का निर्णय लिया गया। ये ट्रेन आपकी जब नागपुर से मिरज चलेगी तो 01205/01205 नंबर सर नागपुर मिरज 14 जुलाई को चलाई जाएगी। सुबह 8:50 पर रवाना होगी नागपुर रेलवे स्टेशन से। और ये गाड़ी आपकी वाया वर्धा, दमनगांव, बडनेरा, मुर्तिजापुर, अकोला, इसके बाद मलकापुर, भुसावल, जलगांव पहुँचे शाम के 4:40 पर, चालीसगाँव आई शाम के 5:50, मनवाड़ आई शाम के 7:05 पर, कोपरगाँव रात के 8:48 पर, दौड़ आएगी रात के 2:25 पर। इसके बाद ये ट्रेन मिरज अगले दिन 11:55 पर मिरज रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। मिरज से नागपुर के लिए जब ये ट्रेन आपकी चलाई जाएगी तो मिरज से 01206/01206 नंबर के साथ मिरज से नागपुर के लिए ये गाड़ी आपकी 18 अप्रैल को मिरज से दोपहर के 12:55 पर रवाना की जाएगी। मिरज से ये ट्रेन दोपहर के 12:55 के बाद ये ट्रेन आपकी आगे बढ़ते हुए, जैसे कि इसके जो स्टॉपेज रहेंगे, ये ट्रेन आरग, सलगरे, इसके बाद ढलगांव, जतरोड, डोंगरगांव, महसावा, सांगोला, पंडरपुर पहुंचने का समय रहेगा दोपहर के 3:55 पर पंडरपुर, जबकि दौड़ आएगी रात के 8:40 पर। इसके बाद ये ट्रेन आपकी अहमदनगर रात के 10:02 पर आएगी, कोपरगांव रात के 12:05 पर, मनमाड़ आएगी रात के 1:20 पर, चालीसगांव रात के 2:10 पर। इसके बाद ये ट्रेन आपकी जलगांव के रास्ते भुसावल आएगी सुबह 4:25 पर, मलकापुर, सेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धमनगांव, पुलगांव, वर्धा के रास्ते नागपुर दोपहर के 12:25 पर आने का समय रहेगा। तो ये नई ट्रेन है आपकी 14 जुलाई को नागपुर से, मिरज से ये ट्रेन आपकी 18 जुलाई को चलाई जाएगी, एक एक फेरे लगाएगी। और इस ट्रेन की टिकट बुकिंग रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई है। इसमें 8 स्लीपर, 7 जनरल के डिब्बे, 1 AC 3 टायर लगाया गया है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेन के बारे में। और नेक्स्ट ट्रेन की अगर हम बात की जाए तो नेक्स्ट ट्रेन नागपुर से ये भी गाड़ी आपकी मिरज के लिए चलाई जाएगी। नागपुर रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी 15 जुलाई को 01207/01207 नंबर साथ 15 जुलाई को सुबह 8:50 पर ये ट्रेन निकलेगी नागपुर से। मिरज 16 जुलाई को सुबह 11:55 पर पहुँचने का समय रहेगा। वापसी में ये ट्रेन मिरज से 01208/01208 नंबर साथ मिरज से 19 जुलाई को दोपहर के 12:55 पर निकल करके नागपुर 20 जुलाई को दोपहर के 12:25 पर पहुँचेगी। इस ट्रेन का जो रूट रहेगा, ये ट्रेन आपकी वाया अजनी, वर्धा, पुलगांव, धमनगांव, चांदूर, वडनेरा, मुर्तिजापुर, अकोला, सेगांव, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, चालीसगांव, मनमाड़, कोपरगांव, बेलापुर, अहमदनगर, दौड़, क्रूवाड़ी, पंडरपुर, संगोला, महसौबा, डोंगरगांव, जतरोड, ढलगांव, सलगरे, आरक के रास्ते मिरज तक जाएगी। इस ट्रेन में 14 स्लीपर और 2 AC 3 टायर के डिब्बे लगाए गए। इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग भी रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई है। तो ये थी आपकी दूसरी ट्रेन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेन, थर्ड है आपकी न्यू अमरावती से पंडरपुर, पंडरपुर से न्यू अमरावती चलाई जाएगी। ये ट्रेन आपकी विशेष गाड़ी है, न्यू अमरावती से 01119/01119 नंबर साथ न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन से 13 जुलाई 2024 को और 16 जुलाई 2024 को दोपहर के 2:40 पर न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन से न्यू अमरावती से पंडरपुर के लिए चलेगी। और इस ट्रेन का जो चलने का जो समय रहेगा, ये ट्रेन आपके दोपहर के 2:40 पर चल करके पंडरपुर अगले दिन 14 जुलाई और 17 जुलाई को सुबह 9:10 पर पंडरपुर पहुँचेगी। हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेन आपकी चलाई जाएगी न्यू अमरावती से पंडरपुर के लिए।
पंडरपुर से जब ये ट्रेन आपकी न्यू अमरावती चली तो 011200 011120 नंबर के साथ 14 जुलाई और 17 जुलाई को पंडरपुर से शाम 7:30 पर रवाना होगी। अगले दिन ये ट्रेन आपकी दोपहर के 12:40 पे न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन आ जाएगी। इस ट्रेन का जो रूट है न्यू अमरावती पंडरपुर का, ये ट्रेन आपकी वडनेरा मूर्तिजापुर अकोला सेगांव जलम नंदूरा मलकापुर बोदवड़ भुसावल जलगांव पचौरा चालीसगांव नंदगांव मनवाड़ कोपरगांव बेलापुर अहमदनगर दौड़ क्रूवाड़ी पंडरपुर के रास्ते ये ट्रेन आपकी चलेगी न्यू अमरावती से पंडरपुर के मध्य में। इस ट्रेन में रेल में 7 स्लीपर 7 जनरल और 2 AC 3 टायर 2 SLR से टोटल 18 कोचेस लगाए गए हैं। ये गाड़ी आपकी दो दो फेरे दोनों तरफ से लगाएगी। तो ये तीसरी ट्रेन थी आपकी न्यू अमरावती पंडरपुर न्यू अमरावती के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेन चौथी गाड़ी है आपकी खामगांव पंडरपुर से खामगांव के मध्य में चलेगी 011/21/011/21 खामगांव से। ये ट्रेन आपकी पंडरपुर के लिए 14 जुलाई और 17 जुलाई को सुबह 11:30 पर रवाना होगी। पंडरपुर अगले दिन ये ट्रेन प्रातः 3:30 तक सुबह रात में पहुंचने का समय रहेगा। पंडरपुर से खामगांव के लिए 011/22 नंबर सात 15 जुलाई और 18 जुलाई को चलेगी। अगले दिन ये ट्रेन आपकी सुबह शाम पंडरपुर से ट्रेन सुबह 5 बजे डिपार्चर करेगी और शाम के 7:30 तक ये ट्रेन आपकी खामगांव आ जाएगी। पंडरपुर से खामगांव के मध्य में जो स्टॉपिक रहेंगे जलम नंदूरा मलकापुर बोदवड़ भुसावल जलगांव पचौरा चालीसगांव नादगांव मनमाड़ कोपरगांव बेलापुर अहमदनगर दौड़ कुरवाड़ी और पंडरपुर रहेंगे। इस ट्रेन में AC स्लीपर जलर सभी प्रकार के डिब्बे लगाए गए। इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग भी रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई है। तो चौथी गाड़ी थी खामगांव पंडरपुर। अब बात करेंगे अगली गाड़ी के बारे में। देखिए अब नेक्स्ट है पाँचवीं ट्रेन है ये ट्रेन भुसावल से पंडरपुर से भुसावल चलेगी 011159 नंबर के साथ भुसावल पंडरपुर 16 जुलाई को भुसावल से चलेगी दोपहर के 1:30 पर। अगले दिन 17 जुलाई को पंडरपुर 3:30 पर पहुँचेगी। पंडरपुर से भुसावल के लिए 011160 नंबर सात 17 जुलाई को रात के 10:30 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के 1 बजे भुसावल रेलवे स्टेशन आ जाएगी। भुसावल पंडरपुर जो ट्रेन है आपके इस ट्रेन का जो रूट है जलगांव पचौरा चालीसगांव नंदगांव मनमाड़ अकाई कोपरगांव बेलापुर अहमदनगर दौड़ कुड़वाड़ी के रास्ते चलाई जाएगी। इस ट्रेन में 5 स्लीपर 11 जनरल के डिब्बे लगाए गए हैं। इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई है। तो ये 5 नई स्पेशल ट्रेनें रेलवे के द्वारा चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग रेलवे ने ओपन कर दी गई हैं। तो ये अपडेट थी आपके महाराष्ट्र में शुरू की जाने वाली 5 नई ट्रेनों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो से लाइक करें शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।